हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमारी धर्म पत्नी आज ब्रेकफास्ट में बनाने वाली है मैगी, जो कि वो वेजिटेबल मैगी है। उसमें डालने वाले मसाले इस तरीके के हैं जो हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं। अब इसको वन बाय वन एक एक करके कैसे इसको डालेंगे, भूजेंगे, फ्राई करेंगे और टेस्टी मैगी, वेजिटेबल मैगी कैसे रेडी करेंगे, वो चीज़ आज इस वीडियो में देखेंगे। मैगी बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे राई का तेल, इसके टेस्ट को और बेटर करने के लिए। सबसे पहले इसमें डालेंगे कांदा कटी हुई जो हमने रखी थी, अच्छे से चला लें, हल्का लाल कर लें उसको। अब उसके बाद डाल ले दो लहसुन रस करके, पहले हटा उसके बाद डालेंगे कड़ी पत्ता और कटी हुई हरी मिर्च, और मटर और कटे हुए गाजर को डाल लेंगे। अब अच्छे से चला लेंगे ताकि वो मिक्स हो जाए, ऑयल पूरे हर एक दाने को, हर एक गाजर के कटे हुए पीस पे चढ़ जाए और थोड़ा इसको फ्राई होने दें। डालेंगे अब डालेंगे कांदा या फिर टमाटर, चला ले अच्छे से, मिक्स कर ले उसको परफेक्ट तरीके से। एक चम्मच धनिया पाउडर डाल लेंगे, आधा चम्मच हल्दी कलर बरकरार करने के लिए, उसको मिक्स कर लें अच्छे से। आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल लें इसके अंदर और मिक्स कर लें अच्छे से। लास्ट में डाल ले शिमला मिर्च, थोड़ा सा पानी। अब डाल ले थोड़ा सा पानी और चला ले उसको अच्छे से। हल्का सा सब्जी में थोड़ा नमकपन करने के लिए हल्का सा नमक डाल लेंगे। फाइनली हम डालेंगे मैगी मसाला, जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है और जिसके वजह से मैगी बनती है। ये डाल दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब डालेंगे फाइनली
जिसका हमें जरूरी इंतज़ार था, मैगी। चला लें, मिक्स कर लें अच्छे से। फिर उसके बाद फाइनली मिक्स होने के बाद आधा लीटर पानी डाल लें, जितना ज़रूरत पड़े एक मैगी बनाने में उतना ही पानी यूज़ करें। अब इसको किसी कढ़ाई से ढक लें, धनिया भी डाल दें इसके ऊपर पहले, फिर किसी थाली प्लेट से ढक लें ताकि वो जल्द से जल्द वो रेडी हो जाए।